अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू आर वाचिंग आरएमआई 45। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तंदुरुस्ती व ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए इन बातों पर लाजमी अमल करें। अच्छी ज़हनी सेहत का मतलब है कि आप आमतौर पर मर्जी के मुताबिक सोचने, महसूस करने, यहाँ तक कि रद्द अमल का इजहार करने के काबिल हैं। ज़हनी सेहत ख़राब होने की सूरत में आपको इतना ही बुरा महसूस होता है जितना कि जिस्मानी बीमारी की सूरत में आप जिस तकलीफ़ से गुजरते हैं। हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है, जैसा कि मुतहरक रहना ज़हनी तनाव को कम करता है, अपने रोज़ाना के मामूलात में जिस्मानी नकलो हरकत और मसरूफियात को शामिल करने, मुख्तलफ तरीके अपनाएँ और ऐसे मशागल दरियाफ्त करें जो आपके लिए बेहतरीन साबित हों। तनहा रहने से गुरेज करें। अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो अपने साथी, कारकुनों, दोस्तों, रिश्तेदारों से राबते में रहने की कोशिश करें। आराम करना और मौजूदा हालात पर तवज्जो देना आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने और मनफी एहसासात को कम करने में मदद फराहम करता है। मराकबा करने और सांस लेने की मशक आजमाएं। जब आप पर तनाव का गलबा हो तो पट्ठों को बतदरीज ढीला करने का अमल आपको ये जानना सिखाता है कि पुरसकून किस तरह से होना है। आपकी खुराक मतवाजन होनी चाहिए जिसमें तमाम गजाई अज़ा शामिल हों ताकि आप भरपूर और सेहतमंद ज़िंदगी का मज़ा ले सकें। जंक फूड से बचाव यकीनी तौर पर बीमारियों को घटाने का बायस बनता है। वर्जिश दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है। आप अपनी कुव्वत बर्दाश्त को आस्ता आस्ता बढ़ाएँ ताकि आप अपने दिलो दिमाग की हफाजत कर सकें। काम या इंटरटेनमेंट के लिए पूरा दिन किसी स्क्रीन से जुड़कर बैठना वक्त गुजारने का बेहतरीन तरीका नहीं है, ख़ास तौर पर इस वजह से कि स्मार्टफोन जैसे आलात से पैदा होने वाली नीली रोशनी आपकी नींद और मजमूई सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वक्त है, इसकी कदर करें और यह तोहफा सबसे पहले अपने आप को दें ताकि आप जिस्मानी और रूहानी तौर पर सेहतमंद और तवाना रह सकें। अपनी ज़ात में बेहतरी में गुजारा गया वक्त ही फ़र्द का असल सरमाया होता है।